तुम इंडिया को। कोचिंग करेगा हम तुम हमारा नाम जो था। मैं इंडिया को कोच करूं, तुम ये बात करूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का इस हफ्ते की पहली फिल्म अजय देवगन की फिल्म मैदान के फुल रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई, 3 घंटे की पिक्चर, माय गुडनेस। लिटरली स्पीकिंग, अमित शर्मा एंड जो भी एडिटर इस फिल्म का उस पर बाद में आएंगे, ये दोनों की आखिरी फिल्म होनी चाहिए। लिटरली बोल रहा हूं, इन दोनों ने इतनी बेहतरीन सब्जेक्ट, इतनी फाड़ एंड को इन लोगों ने 3 घंटे में ना पानी में मिला दिया है। ये पिक्चर आराम से 2 घंटे की हो सकती थी। इसका सिगरेट पीना ही कम से कम 45 to 50 minutes है। यू कैन लिटरली सिट, स्लीप एंड एंजॉय इन द सिनेमा हॉल्स, नॉट बाय वॉचिंग द फिल्म बट बाय यू नो बीइंग ट्रॉमेटाइज ऑफ द लेंथ ऑफ दिस फिल्म। किस महान शख्स ने इसका फर्स्ट हाफ जो 1 घंटे का रखकर बाकी का 2 घंटे का रखा है। लिटरली स्पीकिंग, अजय देवगन को स्क्रीन पर सिगरेट पीते 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 देखकर, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। आप भी जाने वाले फिल्म देखने के लिए, मैं खुद अभी देख कर आ रहा हूँ 3 घंटे का वो, तो आप जाओ देखने के लिए, आपको पता चलेगा अजय देवगन कम नहीं पड़ता है। अजय देवगन छोटी सिगरेट गजराज रहा, मोटा सिगरेट 60 मिनट इस पूरी की पूरी फिल्म का सिगरेट पीते हुए निकाला है। हम क्या देखने के लिए आए इस फिल्म में? हम फुटबॉल देखने के लिए आए इस फिल्म में? हम ताली बजाने के लिए आए इस फिल्म में? हम देखने आए कि फुटबॉल का वो एरा जो रिक्रिएट कर रहा है वो देखने के लिए आया हूँ? लास्ट का 5 मिनट है ना, लिटरली जितने बेचारे फुटबॉल प्लेयर थे उस टाइम के 52 के, अभी अभी बेचारे मर गए 2020 में, 2021 कोविड में मरे। वो जो लास्ट का 5 मिनट है ना, यार रियल प्लेयर लोग को दिखाते हैं ब्रिलियंट, वो लास्ट 5 मिनट। और जो लास्ट मैच में डायरेक्टर अमित बोलता है चलो फुटबॉल देखने के लिए, फुटबॉल दिखाएगा तुमको, अभी दिखाएगा, तब तक आप सारी हिम्मत हार जाते हो, खत्म हो जाती हिम्मत आपकी, खत्म। सोफा सीट की टिकट लेना, आराम से 2 घंटा चादर तकिया वकिया लेके बैठना और उसके बाद ये फिल्म देखने के जाना। अरे अजय देवगन खास खास के फूक फूक के, खास खास के फूक फूक के, खास खास के फूक फूक के सर का बत्ती कर दिया मेरा। लिटरली बोल रहा हूँ ना गाइज, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैदान कुछ अलग फिल्म बन सकती थी, लेकिन इन लोगों ने जो अंत में बनाया है, सीरियसली बोल रहा हूँ, दिस हैज बीन अ डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। अगर इस फिल्म में एक ही शख्स है जो कि इस पूरी पिक्चर में इसकी स्टोरी बताई गई है, इसके बारे में आप देखोगे, तो वो है अजय देवगन। अजय देवगन की खांसी को अगर वो लोग कंट्रोल करते, यह समय पता है कि रियल कैरेक्टर जो था उसको भी कैंसर हुआ था। आप दिखाओ लंग कैंसर के और सारे सिम्टम्स भी होते हैं, यू कैन नॉट जस्ट शो कॉफिंग एंड ब्लड, बहुत सारे सिम्टम्स है, वेट लॉस, हेयर लॉस, यू नो द येलोइंग ऑफ द आईज, बहुत सारे सिम्टम्स है, शो दैट यू आर एक्सेसिवली शोइंग कॉफिंग। और सर डन, सब बातों को बाजू में रखते हैं, अभी हम फिल्म को रिव्यू करेंगे। शुरुआत होती है इस फिल्म की बेव्यू प्रोडक्शन से, बोनी कपूर का महान प्रोडक्शन, सब फ्लॉप फिल्मों की वो दिखा रहे हैं फोटो, उसको लग रहा है इसकी तो पिक्चर है वो शक्ति और अपना क्या बोलते हैं बेवफा, सब ब्लॉकबस्टर फिल्म है। उससे शुरुआत होती है, 1952 से जो है ये कहानी शुरू होती है, या इंडिया जो है 10-1 से ओलंपिक हार जाता है। देखो गाइस, प्रोडक्शन डिजाइनर जो है इस फिल्म का, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है ना, फुल मार्क्स उन्होंने जो एरा रिक्रिएट किया है वो बहुत अच्छा रिक्रिएट किया है। 10-1 से मैच हार जाते हैं, अजय देवगन की एंट्री होती है, सिगरेट पियो, अजय ने कंपनी में सिगरेट पिया है, फाड़ लगा, लेकिन यहाँ पर बहुत एक्सेस हो रहा था, वो नहीं अच्छा लग रहा था देखने के लिए। एंड वो डायलॉग, आधी दुनिया हमें जानती है फुटबॉल के वजह से जानेगी, एब्सोल्युटली रबिश। ये सब डायलॉग्स फिल्म में रहने की जरूरत भी नहीं थी। स्क्रीन प्ले राइटर एंड डायलॉग राइटर से फॉल्टर्ड मेजरली, दमदार डायलॉग होने चाहिए थे। 70 मिनट जैसा सीन जो है अजय देवगन रिक्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन शाहरुख जैसा वो रिक्रिएट नहीं कर पाता। अरे माही मार रहा है, वो लास्ट मैच जो दिखाई थी वर्ल्ड कप की, वो वाला चकते का साला फट जाती है, देखते रहते कि क्या हो रहा है, जीतेंगे हारेंगे लोग। हाँ, यहाँ पर वो सारा टेंशन जो है ना वो मैच रिक्रिएट नहीं करता। लास्ट मैच में जो कैमरामैन है ना उसको लगता है हाँ पैसा दिया ना मेरे को, मेरे को काम करना चाहिए, वो अच्छा दिखाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड हाफ का तो VFX भी बेकार है, इधर भी कोरिया वाले, उधर भी सेम कोरिया वाले, यहाँ भी टकला साहब खुजा रहे, वहां भी टकला साहब खुजा रहे, कार्डबोर्ड रिडिफाइन ने यहाँ पर उनको कम पैसे में चिपका दिया VFX स्टेडियम में, और
सर एंड डन, वहां से कहानी आगे बढ़ती है। अजय देवगन कहता है कि अब हम प्लेयर लेकर आएंगे वहां से। ट्रांजिशन शॉट्स एकदम बकवास है। वो ट्रैम चलते हुए जा रही है, बच्चे यहाँ पे चल रहे हैं, वो चलते हुए दिखा रहा है। यू कैन नॉट कीप दिस सीन इन द फिल्म, दिस इज क्रिमिनल। व्हाट इज द एडिटर डूइंग, किस बात के पैसे ले रहा है? ये फिल्म आराम से 1 घंटा चौप हो सकती थी। ये 3 घंटे का बहुत बड़ी फिल्म है। घड़ी, अरे आदमी का काम ऐसी फिल्म में स्क्रीन देखना, घड़ी नहीं देखना, स्क्रीन देखना, घड़ी नहीं देखना। मैं घड़ी ज्यादा देख रहा हूँ स्क्रीन नहीं, क्योंकि फिल्म कहीं भी नहीं जा रही थी। शुरुआत के सीन आगे देखो, सिकंदराबाद जाता है, बॉम्बे जाता है, केरला जाता है टीम सेलेक्ट करने के लिए, वो ठीक ठाक लगते गए। यहाँ पर टू मेनी इंग्लिश डायलॉग्स, स्टार्टिंग में बहुत सारे इंग्लिश डायलॉग्स है ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ। तभी एंट्री होती गजराज राव की। गजराज राव क्या कर रहे हैं पूरे पिक्चर में? असिस्टेंट फालो फालो। अरे हर पिक्चर में बंगाली लोग को कैरेक्टर चीज और क्यों एक स्टीरियोटाइप क्यों करते हो तुम लोग को? सब बंगाली ऐसे नहीं होते, मत उड़ाया करो मजाक बंगालियों का इस फिल्म में। हाँ तुम्हारी फिल्म बेस्ड है वहां पे कोलकाता में, हाँ बंगाली हंस रहा है, कॉमेंट्री खा रहा है, क्यों ये सब दिखाने की जरूरत है? वो इतना इरिटेटिंग है गजराज राव और उसका असिस्टेंट गाइस। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो कोरियोग्राफी रहती है, स्टार्टिंग 1 घंटा तो फुटबॉल ही कायब है, बस 2-3 सीन है बस खाली है ना। फुटबॉल कैसा होता है, यहाँ से वो पास कर रहा है जुब, कोई ड्रिबल कर रहा है, कोई यहाँ से फॉरवर्ड पास कर रहा है, कोई स्ट्राइकर के पास जा रहा है, टेंशन नहीं क्रिएट, बॉल यहाँ से वहां से आ रहा है, जुब गोल। ये क्या करते हैं, टप टप गोल, टप टप गोल, टप टप गोल। अरे तुम फुटबॉल दिखाओ ना भाई, फुटबॉल दिखाने के लिए लाया हो ना, वो क्या लास्ट के 10 मिनट के लिए रखा है? अरे किसके पास पेशेंस है, मेरे को रिव्यू करना है इसलिए मैं 2 घंटा 50 मिनट बैठा हूँ तुम्हारा लास्ट का टप्पा देखने के लिए? हाँ बाकी लोग कोई देखने वाले नहीं है। और अजय देवगन, मणि प्रिया, क्या नाम, प्रिया मणि, मणिरत्नम, सॉरी प्रिया मणि, उसके सीन इतने बोरिंग। अरे बाप रे, वो इंग्लिश सीख रही है, वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है, अजय देवगन स्लीप वॉकिंग इन द सीन्स, मैं किताब लाया हूँ, मैं ये लाया हूँ, उसका बच्चा, वो सीन्स इतने बोरिंग है गाइस, सीरियसली वो सीन्स इजिली जो है चुप हो सकते थे। और इंटरवल के बाद तो हद है भाई, वो एक मिर्जा गाना आता है, खत्म है वो गाना, वो आदमी खत्म है उस गाने में, लिटरली दम तोड़ देगा, बोला अभी कुछ तो दिखा दे भाई। वो मिर्जा गाने में बीमार हूँ, घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, एकदम बेकार है गाइस, लिटरली बोल रहा हूँ। और फुटबॉल लिटरली 1 hour 30 minutes तक जो है फिल्म का गायब होता है। म्यूजिक बाय AR रहमान इज अ बिग लेट डाउन, बुलशिट म्यूजिक, जरा मजा नहीं आती है। एंड का एक गाना है वो इमोशनल वाला, और एंड में इमोशनल टच डालने के लिए स्लोमो दिखा रहे फुटबॉल में, रेफरी सब रेफरी को बिठा दिया, तो तुम बाहर जाओ, और धक्का मारेगा प्लेयर, खोपड़ी फोड़ेगा, मारन कर देगा सबकी, तुम बढ़िया जाके धक्का खा रहे, बंदे गिर रहे, मुंह पे बॉल लग रहा है, धो तो मार रहा है, देखो खांस रहा है, वो इमोशनल इफेक्ट दिखाने के लिए बाप रे बाप वो करने के, लिटरली बोल रहा हूँ गाइस, ये फिल्म कुछ और बन सकती थी। इन लोगों ने इस फिल्म को जिस तरह से बनाना चाहता था उस तरह से नहीं है। गोल्ड में वो तपन दास का छद्मजहद कर रहा है, शाहरुख खान से भाग रहा है, वो करने के लिए बच्चन बेचारा फुटबॉल किक मार रहा है, देखो एक बच्चे को दिखाता है, इधर आओ, ऐसा करता है, बस बॉल मारता है, स्टार्टिंग एक किक मारता है, उसके बाद अजय देवगन को फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। अजय देवगन सिगरेट स्मोकिंग कोच ज्यादा लग रहा था, फुटबॉल कोच जो यहाँ पर कम लग रहा था। गजराज राव तो एकदम कार्टूनिश कैरेक्टर दिखाया, एंड में बेचारा थोड़ा 5-10 मिनट जो है काफी अच्छा लगता है। और सरन गाइस 2 घंटा 2.5 घंटा जो है, और बहुत सारे सीन्स जो है यहाँ पे इनकम्प्लीट लगते हैं। और सेम कॉमेंटेटर बुढ़ा नहीं होता, 12 साल तक एक ही कमेंटेटर है। स्टेडियम का VFX बहुत खराब हो जाते हैं सेकंड हाफ में गाइस। यहाँ पर ऑल इन ऑल आप फुटबॉल देखने के लिए आया हो, मैं कमेंटेटर को देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कोरियन लोग को देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं फुटबॉल और मैं गोल देखने के लिए आया हूँ। लेकिन पूरा का पूरा सेकंड हाफ खांसी सुट्टा कॉमेंटेटर, फुटबॉल पूरा का पूरा गायब है गाइस। यहाँ पर राइटिंग इस फिल्म की जो है वो बहुत इनकंसिस्टेंट है। अमित शर्मा जो है लिटरली वो फिल्म को कुछ और बना सकता था, प्लेयर्स का कोई कनेक्शन नहीं है, एक भी प्लेयर याद नहीं रहता, सिर्फ बंगाली प्लेयर जो याद रहता है, लंबू गोलकीपर जो याद रहता है, सरदार याद रहता है, बाकी किसी की बैक स्टोरी नहीं है। तुम्हारा मकसद क्या है? चकदे में लड़की रहती है, उसको अपने बॉयफ्रेंड को दिखाना है, एक गांव से आती है, एक ऐसी जगह से आती है जहाँ कहते हो तुम इंडियन ही नहीं हो, उनके मकसद है, वो क्यों आए टीम में? गोल्ड में लोगों के मकसद है, हम यहाँ खेलने के लिए आए, इनका क्या मकसद है? कुछ मकसद नहीं है, सिर्फ अजय देवगन का मकसद है गाइस। यहाँ पर लॉन्ग शॉट्स नहीं, बड़े बड़े फुटबॉल मैचेस गायब, एक सीन गोल मार दिया, ये 2 घंटा 50 मिनट के बाद एक गोल में, आदमी खुश होता है, एक गोल मार, उसमें मजा आता है। लास्ट इंडिया वर्सेस वियतनाम मैच अच्छी है, जो इंटरवल से अजय देवगन खांसता है ना, पहली बार जब खांसता है ना वो सीन अच्छा है, लेकिन उसके बाद वो खांसी जो है ना वो रेपिटेटिव हो जाती है। तो लास्ट मैच है इंडिया वर्सेस कोरिया, बस लास्ट का 10-15 मिनट है ना, लास्ट का 10-15 मिनट वही इस फिल्म में जो है ना बची कुछ कसर जो है पूरी करता है। अगर वो मैच नहीं होती
अगर वो लास्ट में वो ड्रिबल जो है, लास्ट में जिस तरह से इफेक्ट दिखाया गया है वो सब नहीं होता तो खत्म हो गया होता, लेकिन फिर भी लास्ट में चकदे ऐसी वाइब नहीं लेकर आई पाई फिल्म। 2 आवर्स 45 मिनट्स कैसे गुजारोगे, लास्ट का 10 मिनट देखने के लिए गुजारोगे? और गाइस एडिटर किसका नाम मेरे को ढूंढ, एडिटर देव राव जाधव, या आपकी आखिरी फिल्म होगी तो अच्छा है, स्पोर्ट्स एडिटर शाहनवाज मोसानी, रबिश, यू डोंट नो हाउ टू एडिट। बात करूं गाइस यहाँ पर इसके स्क्रीन प्ले की, सोवियन क्वाड्रोस, एडिशनल स्क्रीन पे अमन राय, अतुल शशि, अमित रविंद्रनाथ शर्मा, टेक अ ब्रेक, गो ऑन अ लॉन्ग वेकेशन, यू हैव रिटन अ बोरिंग डल एमेच्योरी स्क्रिप्ट। लिटरली बोलो ये फिल्म 2 घंटे की क्या बन सकती थी। ये दुकान आता है मस्त सिगरेट पी के, फटाफट टीम सेलेक्ट करता है, टीम आती है, फिर उसको पता चलता है उसको बीमारी है, पॉलिटिक्स होता है, फौरन फटाफट ओलंपिक्स के लिए जाते, खटाखट खटाखट घर वालों की सीन्स काट के 2 घंटे की अगर ये फिल्म बनती थी ना तो आराम से आदमी हंसते कसते देखता था। और गाइस इसके जो नेगेटिव है पॉजिटिव से भारी पड़ते हैं, इस फिल्म का एक ही किरदार है जो आपके साथ थिएटर के बाहर रहता है, वो है अजय देवगन। अजय देवगन का यू नो जिस तरह से वो यहाँ पे पूरी टीम को लेकर आता है, उसका मोटिव, उसका मकसद, उसकी खांसी अगर थोड़ी कम करते, सिगरेट थोड़ी कम करते, अजय देवगन परफॉर्म विथ हिज आईज, इट्स ओनली एन अजय देवगन शो। द प्रोडक्शन डिजाइन, द कॉस्ट्यूम्स एंड द कंप्लीट 1952 एरा जो कि इस फिल्म को यहाँ पर एटलीस्ट सिटेबल बनाता है, वॉचेबल नहीं सिटेबल। आई गिव मैदान 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मेरे को ये फिल्म पसंद नहीं आई, पता नहीं बॉक्स ऑफिस पे किस तरह से बिजनेस करेगी। मैं जबरदस्ती जो है ना इस फिल्म को अच्छा नहीं कह सकता हूँ, मुझे 3 घंटा बहुत बोर हुआ इस फिल्म में। स्टे कूल मैन।